बोधवाड़ा धाम बलखंडी कावड़ यात्रा संघ के तत्वाधान में 33वें वर्ष में लगातार मंदरमदा का जल भरकर महेश्वर से सादलपुर आकर भूत भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा के नगर प्रवेश के साथ ही गर्म जोशी के साथ दो दो डीजे पर भोले के भजनों पर नाचते गाते शोभा यात्रा की शोभा में चार चांद लग गए। जब तिरंगा यात्रा भी ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी करते हुए मेरी जान तिरंगा है मेरी शान तिरंगा है के साथ आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाया गया। कावड़ यात्रियों सहित सभी के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। ये दृश्य देखते ही बनता था। नगर में यात्रा का भव्य स्वागत यशोदा मशीनरी कुशवाहा रेस्टोरेंट भारत माता परिसर सुभाष सर ग्राम पंचायत संजय सोलंकी भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नौशाद खां थाना प्रभारी परिहार सर सभी स्टाफ ने फलाहार की व्यवस्था की और अनिल जैन श्रीलाल हॉस्पिटल श्री शिवाय जनरल स्टोर महेश चौधरी डैडी आटा चक्की गुरुकृपा किराना राठौर ब्रदर्स सहित अनेक जगह पर पुष्प वर्षा और फल वितरित किए गए। यात्रा संयोजक बालकानंद जी ब्रह्मचारी अर्जुन सिंह दरबार हरिओम व्यास घनश्याम चौहान संजय सोलंकी शिव नारायण छाट संदीप चौहान को साफा बांधकर सम्मानित भी किया गया। वहीं गणेश जी के प्राचीन मंदिर पर पंडित हरिओम व्यास ने नर्मदा जल से विधि विधान से जलाभिषेक कराया। कावड़ियों के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों ने जलाभिषेक में भागीदारी की और महाआरती की प्रसाद वितरित भी किया गया। बता दें कि बोधवाड़ा धाम में बलखंडी हनुमान जी का जलाभिषेक भी किया गया और ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अजय डांगी और उप सरपंच प्रतिनिधि लाखन सिंह चौहान ने सभी कावड़ यात्रियों सहित नगरवासियों का तिरंगा यात्रा को सफल बनाने पर आभार व्यक्त किया। शाम को अनिल कुमार चाड़ोदिया के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये जानकारी पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी राम भरोसे वर्मा ने दी। सादलपुर से अनिल परमार की रिपोर्ट।